Hello friends, today we are going to learn drama The Welcome of 7th class English. Scene first. A village road, Chaturbhuj Babu has come back to the village after passing his MA examination, hoping that everyone will make a great fuss over him. There is a plump Afghan cat with him. Enter Neel Ratan. ये तो एक ड्रामा है, बहुत अच्छा ड्रामा है, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी का एक नाटक है, इससे लिया गया है. तो सीन फर्स्ट में क्या होता है, एक गांव का रास्ता है और वहाँ पे चतुर्भुज बाबू, वो कोलकाता से एमए एग्जामिनेशन की परीक्षा पास होकर वापस आए हैं अपने गांव में और रास्ते पे है और उनकी ये इच्छा है कि गांव वाले एग्ज़ाम में मैं पास होने के कारण, परीक्षा देने के कारण एमए की मुझ पर बहुत मेरा स्वागत करेंगे और वो जो चतुर्भुज बाबू है, जो कि एमए पास किया है, उन्होंने एमए की परीक्षा देकर आए हैं, उनके साथ एक अफगान कैट भी है और ऐसे रोड से आ रहे हैं और उनके मन में चल रहा है कि गांव के सारे लोग मुझको परीक्षा के बारे में पूछेंगे, स्वागत करेंगे. तभी उनके मन में ये विचार चल रहे हैं, तभी नील रतन नाम के एक व्यक्ति की एंट्री होती है. तो नील रतन रास्ते में आता है, तो नील रतन बोलता है, हेलो देयर चतुर्बाबू, व्हेन डिड यू अराइव. चतुर्बाबू नाम उनका चतुर्भुज है, लेकिन चतुर्बाबू शॉर्ट में दिया है उन्होंने. चतुर्बाबू आप कब आए. तो चतुर्भुज बाबू बोलते हैं, डायरेक्टली आफ्टर द एमए एग्जाम्स वे ओवर, अभी मेरी एमए की एग्जाम्स ख़त्म हुई. आए वो आगे बोलने वाले थे, तभी उस नील रतन की नज़र उस अफगान कैट पर गई और उनको बीच में ही छोड़ते बोला नील रतन, यू हैव गॉट अ फाइन कैट देयर, और आपके पास बहुत सुंदर कैट है, बहुत अच्छी कैट है, बहुत अच्छी बिल्ली है. तो चतुर्भुज उनको तो एग्ज़ाम का बताना है, क्योंकि उन दिनों ज़्यादा लोग शिक्षा ग्रहण नहीं करते थे. तो चतुर्भुज बोलते हैं, दिस ईयर द एग्ज़ाम वेयर वेरी डिफ़िकल्ट या ईजी, ऐसे कुछ तो बोलने वाले थे. तभी नील रतन ने और टोका बीच में ही और बोले, टेल मी वेयर डिड यू फाइंड द कैट, मुझको बताओ ना ये कैट कहाँ मिली आपको. तो चतुर्भुज बाबू बोले, बॉट इट, मैंने खरीद ली है, खरीद के लाई है. और फिर इतना बोलकर चतुर्भुज बाबू और अपने एमए के ऊपर बोलने लगे, द सब्जेक्ट्स आई वुड हैव ऑफर्ड, मैंने जो सब्जेक्ट चूज किए थे एग्ज़ाम के लिए. इतना बोलते हैं नील रतन और बीच में टोक कर बोलते हैं, हाउ मच डिड यू पे फॉर इट, इस बिल्ली के लिए आपने कितने पैसे दिए. तो चतुर्भुज बाबू बोलते हैं, आई डोंट रिमेम्बर. तो उनको गुस्सा आ गया चतुर्भुज बाबू को, मुझको कोई ऐसे मेरे ध्यान में नहीं है अभी. नील रतन बाबू, हैज़ एनीबडी पास्ड एनी एग्ज़ाम इन आवर विलेज. नील रतन बाबू, हमारे गांव में कोई और एग्ज़ाम पास होता है या हुआ है. तो नील रतन बोलते, ओ लॉट्स ऑफ देम, बट यू वॉन्ट सी अ कैट लाइक दैट इन दिस पार्ट्स, बहुत सारे लोग पास हुए हैं पर यू वॉन्ट सी अ कैट लाइक दैट, पर आप यहाँ इस बिल्ली जैसी कोई और बिल्ली आप नहीं देख पाओगे. तो नील रतन बाबू को बिल्ली बहुत पसंद आ गई है.
चतुर्भुज बाबू टू हिमसेल्फ, खुद को ही बोल रहे हैं, कन्फाउंड हिम, मतलब गुस्से से बोल रहे हैं, क्या आदमी है, ही कैन टॉक अबाउट एनी थिंग बट द कैट, बिल्ली के सिवा कुछ दूसरा बोलता ही नहीं। इट डजेंट सीम टू मैटर दैट आई हैव जस्ट पास्ड माई एम ए, इसको कुछ ध्यान इसको कुछ कुछ भी नहीं है, मैंने एम ए पास किया है, मैंने परीक्षा दी है, इसका कुछ भी नहीं है इसको। तभी एंटर द जमींदार्स, गांव में जो एक जमींदार जी है वो आए हैं, तो इस पेज के नीचे कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स और उनके मीनिंग्स दिए हैं और कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन भी दिए हैं, तो वो भी देखते हैं। मेक अ ग्रेट फस ओवर हिम, मतलब गिव हिम अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट प्राइज अटेंशन। प्लम्प मतलब फैट, जाड़ है ना, भद्दी ऐसे। कन्फाउंड हिम मतलब वर्ड यूज टू शो एंगर। और ये तीन क्वेश्चन दिए हैं। वेयर डिड दिस सीन टेक प्लेस, ये सीन कहाँ पे घट रहा है, तो रोड पे, ऑन द रोड ऐसे लिख सकते हैं हम। व्हाट एग्जामिनेशन है चतुर्भुज पास्ट, एम ए। एंड व्हाट डज चतुर्भुज हैव विथ हिम, अफगानी कैट, अफगान कैट। ओके, नाउ लुक एट द नेक्स्ट पेज। जमींदार बोलते हैं, ओ चतुर्भुज, व्हाट हैव यू बीन डूइंग इन कलकत्ता ऑल दिस टाइम, अरे आप कलकत्ता में क्या करते हो इतने टाइम से। तो चतुर्भुज बोलते हैं, आई हैव जस्ट फिनिश्ड माय एमए सर, अभी अभी मैंने एमए पास किया है सर, अभी अभी मेरा एमए हुआ है। तो जमींदार बोलते हैं, ओह दिस कैट ऑफ यूअर्स इज अ स्टनर, अरे ये तो कैट तेरी बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है। आई मस्ट से व्हाई डोंट यू ड्रॉप बाय माय प्लेस विथ योर कैट सम टाइम दिस इवनिंग, आज शाम को तू मेरे घर घर आ कैट को लेकर। द बॉयज वुड बी डिलाइटेड, मेरे बच्चों को बहुत आनंद आएगा, बच्चे बहुत हैप्पी होंगे कैट को देखकर। देखो ये नील रतन भी कैट के बारे में ये सब पूछ रहा है, जमींदार भी कैट के ही बारे में बोल रहा है। तो चतुर्भुज, ऑफकोर्स ठीक है आता हूँ, आई क्वाइट अंडरस्टैंड, दे हैव नॉट सीन मी फॉर लॉन्ग टाइम, ऑफकोर्स आई क्वाइट अंडरस्टैंड। वो बोला ठीक है मैं आता हूँ, दे हैवंट सीन मी फॉर अ लॉन्ग टाइम, उन्होंने बहुत दिन से मुझको देखा ही नहीं है। तो जमींदार बोलते हैं, यस आई सपोज सो, बट वॉट आई मीन इज इवन इफ यू कांट कम योर सेल्फ सेंड बेनी राउंड विद द कैट, अगर ये ऐसा हुआ कि तू आ न पाया मेरे घर कैट के समेत, तो तू क्या कर, तू बेनी के साथ कैट को भेज दे, आई वॉन्ट द बॉयज टू सी इट, मुझको ये कैट दिखानी है मेरे बच्चों को। और जमींदार फिर जाता है, तभी अंकल सतु आते हैं। ओके सतु, हाउ आर यू माई बॉय, बीन अवे अ लॉन्ग टाइम हैवंट यू, बहुत दूर था तू तो। चतुर्भुज, दैट्स राइट, देयर वेयर सो मेनी एग्जामिनेशन, और बहुत एग्जाम थे ना, इसीलिए मैं बहुत देर कोलकाता में था। सो तो बोलता है, दिस कैट ऑफ yours, ये कैट तेरी है। चतुर्भुज फ्यूरियसली, फ्यूरियसली मतलब एंग्रीली, गुस्सा आया। जो भी आदमी आता है गांव का सब बिल्ली के बारे में ही बोलता है, तो इसलिए उसको गुस्सा आया। आई एम गोइंग होम, मुझको घर जाना है, मैं घर जा रहा हूँ, अबाउट टू लीव। तो सतु बोलता है, हे वेट अ मिनट, अरे ठहर, दिस कैट, ये बिल्ली, बिल्ली के बारे में पूछना है उसको। और तो चतुर्भुज ने उसके मन को पहचान लिया।
और फिर नो सर आई हैव गॉट वर्क टू डू, मुझको बहुत काम है, ऐसे कह के फिर चला गया। तो सत्तू बोलता है ओह कम ऑन नाउ, आंसर सिविल क्वेश्चन दिस कैट, अरे अरे मेरे सीधे प्रश्न का उत्तर तो देते जाओ, अरे ये बिल्ली। चतुर्भुज स्ट्राइड अवे विथ अनदर वर्ड, चतुर्भुज गुस्से में चले जाते हैं कुछ भी एक शब्द भी ना बोलते हुए। जस्ट लुक एट दैट, इट्स एजुकेशन दैट्स रनिंग दिस यंग पीपल। तो सत्तू बोलते हैं देखो ये गुस्से वाले सुशिक्षित कहलाते हैं खुद को, वी नो वॉट दे आर वर्थ बट दे आर सफ्ड फुल ऑफ कंसिट। तो ये जो शिक्षित हैं वो तो बहुत अहंकारी हो गए अब तो, ऐसे सत्तू चतुर्भुज को बोल रहे हैं पीछे। तो अभी नीचे डिफिकल्ट वर्ड दिए हैं, ड्रॉप बाय माय प्लेस मतलब विजिट माय हाउस, फ्यूरियसली मतलब एंग्रीली, स्टनर मतलब वेरी ब्यूटीफुल, डिलाइटेड मतलब वेरी हैप्पी, वी नो व्हाट दे आर वर्थ मतलब वी नो दैट दे डोंट हैव मेरिट और गुड क्वालिटीज, मतलब सो तो बोलते हैं कि उनके पास अच्छे गुण संस्कार नहीं है। सिविल क्वेश्चन मतलब अपोलाइट क्वेश्चन, स्टफ्ड फुल ऑफ कॉन्सिट मतलब वेरी वेरी प्राउड ऑफ वन सेल्फ, मतलब वो बहुत अहंकारी हो गए हैं, गर्विष्ट हो गए हैं। अभी थिंक एंड आंसर में तीन क्वेश्चन दिए हैं, हु इज बेनी, आई थिंक बेनी इज द सर्वेंट ऑफ द चतुर्भुज फैमिली। डू यू थिंक अंकल सत्तू इज हाईली एजुकेटेड? नो। वॉट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्राइड अवे मतलब टू वॉक अवे विथ लॉन्ग स्टेप, बड़ी बड़ी बड़े बड़े जंप लेके ऐसे चलते हैं ना, तो उसको बोलते हैं स्ट्राइड्स अवे, पैर पटक के जाते हैं ना। तो अभी सीन सेकेंड, ये जो सीन सेकेंड है वो चतुर्भुज के हाउस में है, इनसाइड चतुर्भुज हाउस। ओके, मेड मतलब उनकी नौकरानी जो है वो बोलती हैं मदर दादा बाबू हैज़ कम होम इन अ ब्लेजिंग टेम्पर, मतलब वेरी एंग्रीली दादा बाबू आ रहे हैं घर पे तो बहुत गुस्से में है। तो मदर बोलती है व्हाई व्हाट द मैटर, क्या हुआ? मेड बोलती आई डोंट नो, मुझको मालूम नहीं है। तब भी चतुर्भुज आता है, एंटर चतुर्भुज, लिटिल बॉय छोटा बच्चा जो होता है, आई थिंक ही इज द यंगर ब्रदर ऑफ चतुर्भुज। दादा कैन आई हैव दिस कैट, क्या मैं ये बिल्ली ले सकता हूँ? चतुर्भुज स्लैप्स हिम हार्ड, कैट का नाम निकालते ही उसने एक चांटा लगाया उसको, कैट 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 द होल डे लॉन्ग इज इट, सब बिल्ली 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 कर रहे पूरे दिन हुआ पूरा। मदर नो वंडर द पुअर बॉय एंग्री, मेरा बच्चा तो गुस्सा होगा ही। उसकी मदर बोल रही है चतुर्भुज की, ही कम्स होम आफ्टर सच ए लॉन्ग टाइम, कितने दिनों से कितने देर से वो कोलकाता में था, अभी आया है, एंड दिस ब्रैट्स स्टार्ट अनोइंग हिम एट वंस, और ये जो नॉटी बॉय है वो उसको अनोइंग कर रहा है मतलब चिढ़ा रहा है, लेट मी हैव द कैट। चतुर्भुज को बोलती है फिर ये कैट मेरे पास दे दे सन, आई विल गिव इट सम राइस एंड मिल्क दैट आई हैव पुट बाय, मैंने इसके लिए राइस और मिल्क रखा है मैं उसको खिलाती हूँ। देखो माँ भी वही बोल रही हैं, अब तो जाहिर सी बात है कि चतुर्भुज को अब भी और गुस्सा आया होगा, है ना। चतुर्भुज फ्यूरियसली मतलब एंग्रीली, हियर मदर ले यू कैन हैव द कैट एंड फीड इट ऑल यू वांट, ये कैट ले इसको तुझको जितना चाहे उसको खिला दे, सब खिला दे, आई शांट स्टॉप टू ईट, आई एम लिविंग एट वंस, मैं खाने के लिए भी नहीं रुक रहा हूँ,
मैं जा रहा हूँ बाहर। मदर प्लेंटिवली मतलब सैड मूड में है। व्हाट मेक्स यू से सच अ थिंग, क्यों ऐसे बोल रहा है तू। योर मील्स रेडी एंड वेटिंग, तेरा खाना तो तैयार है, राह देख रहा है तेरी। डियर यू कैन सिट डाउन टू ईट एज सून एज यू हैव हैड योर बाथ, तू पहले बाथ ले ले, स्नान कर ले और खाने पे बैठ जा। तो इस पेज के नीचे भी कई डिफिकल्ट वर्ड्स दिए हैं। इन अ ब्लेजिंग टेम्पर मतलब वेरी एंग्री, ब्रैट्स मतलब नॉटी किड्स, एंड प्लेंटिवली मतलब इन अ सैड कंप्लेनिंग वे। एंड थिंक एंड आंसर में दो क्वेश्चन दिए हैं। हु इज दादा बाबू, दादा बाबू इज चतुर्भुज। ओके, व्हाई डज चतुर्भुज गेट एंग्री विथ हिज मदर, बिकॉज मदर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द कैट। ओके, चतुर्भुज बोलते हैं नो आई एम लिविंग, नहीं मुझको नहीं रुकना। यू आर ऑल क्रेजी अबाउट कैट्स इन दिस पार्ट्स, नो वन केयर्स ऑफ मैन ऑफ अर्थ, एंड किक आउट एट द कैट। चतुर्भुज बोल रहा है मैं जा रहा हूं, सबको कैट्स की पड़ी है, बिल्ली की ही पड़ी है, आदमियों की तो वैल्यूएबल मैन की तो कुछ पड़ी ही नहीं। मैं इतना एमए करके आया हूँ, किसी को मेरी चिंता ही नहीं है। आंट बोलती है डोंट हर्ट द कैट, ऐसे बोल के चतुर्भुज ने कैट को एक किक मारी। तो आंट बोलती है डोंट हर्ट द कैट, और कैट को क्यों मार रहा है, शी हैज नॉट डन एनी हार्म, उसने तो क्या नहीं किया तुझको। चतुर्भुज व्हेन इट कम टू अ कैट यू आर ऑल हर्ट, बट यू हैव नो पिटी फॉर ह्यूमन बींग्स। कैट को एक किक मारी तो सबके दिल दुख गए, पर आपको मेरी चिंता नहीं है। कैट की एनिमल्स की तो चिंता है, लेकिन ह्यूमन बींग्स की चिंता नहीं। लिटिल गर्ल बोलती है लुकिंग आउट, ऐसे बाहर देख के बोलती है लिटिल गर्ल, कम एंड सी अंकल हरी, हरी अंकल आओ इधर और देखो, व्हाट अ बिग फैट टेल, कितनी बड़ी पूंछ है। कैट की बोल रही है वो, तो हरी उनके चाचा होंगे शायद, तो वो भी फनी मूड में है, जोक्स के मूड में है, तो बोल रहे हैं हूज टेल, किसकी पूंछ, चतुर्भुज, चतुर्भुज की पूंछ क्या। तो गर्ल बोलती है नो द कैट्स, अरे कैट की बोली मैं। सीन थर्ड, अब सीन थर्ड है, ऑन द रोड पे ही है वो। एंटर चतुर्भुज बैग इन हैंड, चतुर्भुज आया है, उसके हाथ में बैग है, पर अभी कैट नहीं है, वो जानबूझ के कैट घर पे छोड़ के आया है। ठीक है, साधु चरण पहले मिला, सर वेयर द कैट ऑफ योर्स, आपकी बिल्ली कहाँ गई। चतुर्भुज इट्स डेड, मर गई गुस्से में। साधु चरण हाउ सैड, अरे बहुत बुरा हुआ, हाउ डिड इट हैपन, कैसे होगा ये। चतुर्भुज इरिटेबल से, बहुत उसको गुस्सा आया, गुस्से से बोलता है आई डोंट नो कैसे मर गई, मुझको मालूम नहीं है। फिर परन आया, तो परन बोला हेलो व्हाट्स हैपन टू यू कैट, क्या हुआ आपके कैट को। चतुर्भुज बोला इट्स डेड, मर गई। परन बोला नो रियली हाउ, अरे रे कैसे हुआ, कैसे मर गई। चतुर्भुज बोला द सेम वे ऑल ऑफ यू, ऑल यू विल डाई, ऐसे मर गई जैसे आप सब मरने वाले हो, बाय स्विंगिंग एट द एंड ऑफ अ रोप, फांसी का फंदा गले में लटका के मरने वाले हो ना, वैसे ही मर गई वो। तो परमन बोलता है गुड गॉड, हे भगवान, he has positively furious, अरे तो बहुत गुस्सा हो गया। ये चतुर्भुज की बातें सुनकर वो बोला ये तो बहुत गुस्सा हो गया। और फिर क्या होता है, a swarm of urchins run after चतुर्भुज, एक छोटे छोटे बच्चों का जो ग्रुप होता है, नॉटी बच्चे होते हैं,
तो बच्चे चतुर्भुज के पीछे भागते हैं, क्लैपिंग, ऐसे क्लैपिंग करते हुए, और उनको उसको टीज करते हैं, चिढ़ाते हैं और बोलते हैं पसी कैट पसी कैट पसी कैट। फिर पर्दा गिरता है। तो ये जो ड्रामा है एडप्टेड फ्रॉम द ट्रांसलेशन ऑफ द प्ले बाय रविन्द्रनाथ टैगोर, ये एक अनुवाद है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के एक ड्रामे का अनुवाद किया है। अगले लेक्चर में हम इसका वर्कशॉप देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।